हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो मेरा नाम है कपिल गोयल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीएचयू पीजी एडमिशंस 2022 के बारे में। तो इसको लेके ऑलरेडी मैं एक वीडियो कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि वेरिफिकेशन कैसे होना है, किन लोगों का वेरिफिकेशन होना है, पेमेंट लिंक किन लोगों का जो है वो जारी हो रहा है, वेटिंग लिस्ट का क्या मतलब है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ और डिपार्टमेंट्स की जो मेरिट लिस्ट आई है उसके बारे में। फिर मैं बात करने वाला हूँ बीएड वेरिफिकेशन, एमए हिंदी, फॉरेंसिक साइंस सेकंड। फिर कई लोगों की क्वेरीज थी कि सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, और कई बच्चों का सवाल था कि डीवी कब होगा। तो इन सारे सवालों के मैं जवाब देने वाला हूँ। तो वीडियो को कंटिन्यू करें, उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि CUET PG काउंसलिंग के रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती है वो आपको इस चैनल पर ज़रूर देखने को मिलती है और सबसे पहले मिलती है। आपने अभी तक जिन भी लोगों ने एडमिशन्स भी ले लिए हैं कई कॉलेजों में, तो उनके ये कमेंट्स भी आए हैं मेरे को कि आपके वीडियो की वजह से हमें यहाँ पर एडमिशन मिला है। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो कि आज जो लिस्टें आई हैं या जो कट ऑफ आई हैं वो कौन कौन से कोर्सेज की आई है, तो MSc फिज़िक्स और MSc स्टैटिस्टिक्स की कट ऑफ आई है। फिज़िक्स वाले बच्चों की काफ़ी क्वेरी भी थी कि कट ऑफ हमारी कब आएगी, वेरिफिकेशन हो चुका है। तो फिज़िक्स की जो कट ऑफ आई है वो थोड़ी जो एक्सपेक्टेड है उससे हाई गई है। मैंने जो मेरे एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी वो 215 नंबर बताई थी, और यहाँ पर जो कट ऑफ जा रही है जनरल की वो 230 नंबर है, BHU जनरल की 215 नंबर है, OBC की जो कट ऑफ गई है वो 205 है, BHU OBC की 175 है, SC की कट ऑफ 165 है, BHU SC की 121 है, ST की 151 है और BHU ST की 101 है। तो ये कट ऑफ है MSc फिज़िक्स की। अब सवाल ये है कि किनका एडमिशन होगा। तो पहला तो सीधी सी बात है, जिन लोगों का नंबर इन कट ऑफ से ज़्यादा है उनका पेमेंट लिंक एक्टिवेट हो गया होगा, उन्हें पेमेंट करना होगा। फिर जिन लोगों का वेरिफिकेशन हो गया है और रिज़ल्ट लिखा रहा है पब्लिश्ड और पेमेंट लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, इसका मतलब इस लिस्ट के अंदर उन लोगों का नाम नहीं है। आगे कोई सेकंड लिस्ट अगर आएगी, सेकंड लिस्ट कब आती है, जब पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग या पहली जो लिस्ट है उसमें लोग एडमिशन नहीं लेते हैं तो सेकंड लिस्ट निकलेगी। तो सेकंड लिस्ट में चांसेस हैं कि जिन लोगों के इसके नंबर कम हुए, यानी कि जिन लोगों के 200 जनरल की अगर मैं बात करूँ तो जिनके 210 से ज़्यादा होंगे, 230 से कम होंगे, उनको सेकेंड लिस्ट में चांस मिल जाएगा। OBC में भी लगभग यही कहानी होगी और SC में भी यही कहानी होगी। फिर मैं कहूँ कि जो बच्चे BHU या HCU को देख रहे थे, तो अगर जिन लोगों का यहाँ 200 प्लस मार्क्स थे या 210 प्लस मार्क्स थे और जिन लोगों का यहाँ पर एडमिशन नहीं हुआ है, तो HCU की जो आज काउंसलिंग लिस्ट आ चुकी है या NCU की जो मेरिट लिस्ट आ चुकी है उसको देख लेना, और जो फिज़िक्स है उसकी काउंसलिंग है 16 नवंबर को, तो फिज़िक्स के लिए वहाँ पर आप चले जाना, बिना सोचे समझे वहाँ पर चले जाना, क्योंकि ये कट ऑफ है हाई। और अगर हम मान के भी चलें कि 200 सेकेंड लिस्ट आएगी, तो सेकेंड लिस्ट में भी जो नंबर हैं वो 210 प्लस रहने वाले हैं, तो इतना वेट नहीं करना है हमें जाना है। इसी तरह से MSc बॉटनी की, हालांकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो बॉटनी की फिर मैं बता देता हूँ वापस से। तो बॉटनी की जो है वो है 213, 190, 199, 163 और 142, और कंपेरेटिवली ये जो है रिलेटिवली ये जनरल BHU जनरल, BHU OBC, BHU EWS, BHU SC और BHU ST की बात कर ली जाए। अगर स्टैटिस्टिक्स की, तो जनरल के अंदर 210 नंबर, EWS के अंदर 200, OBC के अंदर 190, SC के अंदर 172, ST के अंदर 135 और जो EM एम्प्लॉई कोटा है या उसके अंदर 52 मार्क्स है ना, ये कट ऑफ है स्टैटिस्टिक्स की। तो ये तो हो गई बात कट ऑफ की। मैं फिर कहूँगा जो लोग फिज़िक्स के हैं, फिज़िक्स वाले जो बच्चे हैं उनकी कट ऑफ कंपैरेटिवली हाई है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, अगर मैं बॉटनी की बात करूँ या मैं माइक्रोबायोलॉजी की भी बात करूँ, तो इनके कंपैरिजन में बहुत हाई कट ऑफ है आप लोगों की। तो वो लोग जिनके 210, 215, 220 नंबर तक हैं, है ना, अगर वो सेकेंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो हालाँकि वेट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये जो बच्चा है जिनके 230 प्लस वाला है वो JNU में भी चला जाए और सीट खाली हो जाए, तो सेकंड लिस्ट तो आएगी। तो सेकंड लिस्ट आएगी पर वो कब आएगी हमें नहीं पता है। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि जो HCU की काउंसलिंग है वो है 14 तारीख को, और जिन लोगों के 200 प्लस मार्क्स हैं उनका डेफिनेटली नाम आया होगा HCU वाली लिस्ट में, और अगर उन्होंने HCU का फॉर्म भरा होगा तो आप वहाँ पर चले जाना, वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाना चाहिए।
फिर अगर हम बात कर लें आगे बीएड का वेरिफिकेशन और एमए हिंदी के वेरिफिकेशन के बारे में बात करूं, तो बीएड का जो वेरिफिकेशन है वो आज स्टार्ट हो गया। और बीएड में भी जो वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ है वो किसका हुआ है, जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं, जो पीडब्ल्यूडी से है, कोटा से है, उनका वेरिफिकेशन हुआ है। और उनका भी जो मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स, वो 200 नंबर है। ठीक है, कितना है, 200 नंबर है। अब इसके बाद बाकी कैटेगरी का होगा, यानी कि पहले एससी एसटी का होगा, फिर ईडब्ल्यूएस ओबीसी का होगा, और फिर लास्ट में जनरल का वेरिफिकेशन होगा। इसी तरह से यहाँ पर एमए हिंदी का भी वेरिफिकेशन और फॉरेंसिक साइंस का भी वेरिफिकेशन का जो काम है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एमए हिंदी और वेरिफिकेशन के जो काम हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। पेमेंट लिंक केवल उन्हीं के जनरेट हो रहे हैं जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम है, जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं है उनके पेमेंट लिंक जनरेट नहीं हो रहे। उनके आगे लिखा रहा है पब्लिश्ड। पब्लिश्ड का मतलब है आपका उस लिस्ट में नाम नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा सेकंड लिस्ट के लिए या थर्ड लिस्ट के लिए। तो ये तो बात हो गई वेरिफिकेशन की। फिर उसके बाद बात कर लें कि बच्चों की क्वेरी है कि सेकंड लिस्ट आएगी क्या। तो सेकंड लिस्ट केवल उसी केस में आती है जब सीटें खाली होती है, वैकेंट रह जाती है। सीटें वैकेंट रहेगी ये भी तय है। ये तय क्यों है, क्योंकि जो बच्चे ने यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा वो जेएनयू भी जाएगा, क्योंकि उसके अगर नंबर ज़्यादा हैं जेएनयू में भी जाने के चांसेस उनके होंगे, और वो डीयू में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर सीटें ऐसा नहीं है खाली नहीं होंगी, सीटें खाली होंगी। तो खाली सीटों के अगेंस्ट सेकेंड लिस्ट आएगी। ठीक है, तो वो सेकेंड लिस्ट का आप वेट करते रहें। फिर उसके बाद सवाल ये है कि जो डीवी है वो कब होगा। तो जिन लोगों ने अपना पेमेंट कर दिया है ना, तो जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है तो उनको उनका जो जो डैशबोर्ड है उस पर मैसेज आ जाएगा, या उस पर आप अब तक आ चुका होगा कि आपको इस डेट को आपको वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना है। वेरिफिकेशन के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिज़िकली प्रेजेंट होना है, डॉक्यूमेंट्स लेके। डॉक्यूमेंट्स में क्या, वही आपकी टीसी, वही आपका माइग्रेशन, वही आपकी मार्कशीट्स है ना, और वही जो भी जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट हैं, जो आपके ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट हैं, वो सारी चीज़ें लेके पहुंचनी है। कास्ट सर्टिफिकेट को लेके मैं एक चीज़ बता दूं, ईडब्ल्यूएस को लेके बता दूं कि वो 6 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 महीने पुराने को वो कंसिडर नहीं करते हैं। तो अभी तक भी अगर नहीं बनवाया है तो उसको प्लीज़ आप बनवा लीजिए। तो ये था आज की अपडेट के बारे में, पीएचयू बीएचयू का जो पीजी एडमिशन्स चल रहे हैं उसके बारे में। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है, फिर भी आपके कोई डाउट हैं, तो कमेंट सेक्शंस आप लोगों के लिए ओपन हैं। उन कमेंट सेक्शन में अपने जो डाउट है, वो क्वेरी है, उसको आप पोस्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई कर दूँगा। तो जिन भी लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।